एक्सरसाइज 7B क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूडिंग अ राइट एंगल। देखो यहां पर क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो जिनका सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा एक लाइन है, हमेशा जो लाइन होती है वो हमारी एंगल बनाती है 180 डिग्री का। तो इसी के ऊपर से एक लाइन जा रही होगी, या फिर बोलो एक एंगल बन रहा होगा जो 180 डिग्री का होगा। ये देखो हमारी एक लाइन चली गई। ठीक है, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इस फिगर को हमने कैसे बनाया, इसकी वजह से बना लिया। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग ये देखेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्ट ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री एंगल ये वाला है हमारा, अब ये क्या कह रहा है बाइसेक्टर, इनके बीच से हमारे बाइसेक्टर निकल रहे हैं। चलो हम लोग बाइसेक्टर निकाल देते हैं इसके बीच से। तो एक यहां से बाइसेक्टर जा रहा है इस एंगल से, और दूसरा हमारा बाइसेक्टर जा रहा है इस एंगल से। ठीक है, इन एंगल के बीच से। चलो इसको सब लोग सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसे ए बोल देते हैं, इसको बी कहेंगे, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एंगल डी, और ये हो जाएगा ई, और इसको बोल देंगे एफ। ठीक, इतना क्लियर हो गया एंगल, अभी तो हमने इसकी नेमिंग की। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो बाइसेक्टर है वो 90 डिग्री का है, ये हमको करना है प्रूफ, बस इतना हमें करना है प्रूफ। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे इसको सबसे पहले समझते हैं। तो यहां लिख देते हैं पहले हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ई सी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, इतना क्लियर है कि हमें ये प्रूफ करना। अब आगे देखते हैं, लिखते हैं देन वी हैव एंगल ए ओ सी, सॉरी ए सी डी, जो ए सी डी है ना, सॉरी ए सी डी, ये वाला एंगल ए सी डी एंगल हमारा कितना होगा भैया, पता नहीं है कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक्स को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट एंगल ए सी डी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। ठीक है, जब ये वाला एंगल हमारा पूरा, ये पूरा एंगल हमारा एक्स हो जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा। अभी हमने बताया था कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो टोटल होता है 180 डिग्री के बराबर, और हमें अभी ये वाला एंगल हमने इसको लेट कर लिया एक्स। ठीक है, तो बचा क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस एक्स कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, जो ये एंगल है हमारा ए सी डी, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है सी ई। तो यहां पर लिखेंगे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी डी। ठीक है, एंड यहां लिखेंगे सी एफ बाइसेक्ट एंगल बी सी डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए इतनी बात, ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखो यहां पर लिखते हैं एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई, ए सी ई कहां है, ये है ए, ये है सी, ये है ई। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी डी के। अब देखो, अब सपोज करो ये पूरा एंगल हमारा एक्स है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सिर्फ इतने एंगल के, इतने पार्ट के, इस एंगल के पार्ट की, तो ये कितना होगा, ये एक्स का हाफ होगा, 1/x होगा, सॉरी 1/2x होगा, और ये वाला फिर क्या होगा, ये भी होगा हमारा 1/2x। ये देखो पूरा एंगल हमारा था एक्स, जब हम लोग कहेंगे ये कितना है, तो भैया एक्स का आधा ये होगा, एक्स का आधा ये होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए सी ई इक्वल्स टू एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 1/2x, मतलब एक्स का हाफ। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में आधे आधे होंगे एक्स के। ठीक है, और वैसे ही हम लोग इस एंगल की अगर बात कर लेते हैं, तो यहां पर लिख देंगे एंगल बी सी एफ इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ सी डी। ओके, ये भी हाफ हो जाएगा 1/2, 180 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो ये बाइसेक्टर जा रहा है, तो बाइसेक्टर क्या करता है, जो एंगल होता है उसको 20 से आधा आधा बांट देता है। तो ये पूरा एंगल हमारा 180 माइनस एक्स था, जब हम लोग इसकी बात करेंगे सिर्फ तो क्या हो जाएगा 1/2, 180 माइनस एक्स। जब इसकी बात करेंगे सिर्फ इस एंगल की, तो ये हो जाएगा 1/2, 180 माइनस एक्स, मतलब हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स हो जाएगा। वही चीज हमने यहां पर लिख रखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही, कोई डाउट हो तो तुरंत कॉमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, आप देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर करते हैं हम लोग एंगल
ईसीडी, देखो ईसीडी हमारा कहां पर, ये है ईसीडी। हमको क्या फाइंड करना था कि ये जो हमारा जा रहा है क्या बाइसेक्टर, ये है 90 डिग्री का, ये प्रूफ करना है। तो अब हम लोग लेंगे एंगल ये वाला, एंगल ईसीडी प्लस करेंगे एंगल डीसीएफ, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं एंगल, एंगल ईसीडी प्लस कर दिया एंगल DCF बोल दो या FCD बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। देखो ECD हमारा क्या है, देखो यहाँ पर ECD हमने लिखा था 1/2x, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस कर दिया। और हमारा DCF हमारा क्या है, 1/2, और यहाँ कर दिया 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब कहोगे यहां पर ये दोनों हमारे इसके बराबर थे, हाँ भाई इसके बराबर थे। इसको जरा ध्यान से समझो, देखो डी सॉरी बी सी एफ है वो भी हमारा 1/2, ए 180 माइनस एक्स है, और एफ सी डी है वो भी हमारा 1/2, 180 माइनस एक्स है। तो हमने यहां पर डी सी एफ मतलब जो हमारा डी सी एफ है ना ये वाला, इसको हमने लिख दिया यहां पर, और जो ई सी डी है वो हमने 1/2 था उसको लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब इन दोनों में से क्यों कॉमन दिख रहा है, इसमें 1/2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहां अंदर बचेगा एक्स प्लस हो जाएगा 180, ठीक है। यहां लिखा माइनस, यहां पर एक्स कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1/2, यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 180, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई में 180 आ जाएगा। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो जरा ध्यान से, यहां पर हम लिखते हैं एंगल हमारे पास है एंगल ई सी डी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 90 सॉरी ई सी डी, और ये प्लस का भी, तो यहां पर लिख देते हैं प्लस डी सी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब जब ये हम लोग दोनों एंगल को मिला देंगे, ये वाला एंगल और प्लस कर देंगे ये वाला एंगल, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई सी एफ ये पूरा। तो यहां लिखेंगे एंगल ई सी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमको क्या प्रूफ करना था कि जो हमारा बाइसेक्टर है, सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल, यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ के प्रूफ डेट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल, यही प्रूफ करना था। राइट एंगल हमारा 90 का होता है, तो वही हमने 90 इसमें प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन, आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कॉमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में।